अस्सलामुअलैकुम और हम जा रहे हैं आउटिंग पे विद फैमिली। आयशा की मस्तियाँ तो ऑन है, जो थी वो एंट्रेंस थी मेन जिसे हम तो ये देख रहे हैं। इस वक्त पार्क जो है इसमें यहाँ सफाई की मेंटेनेंस अच्छी रखी गई है और मेन गेट से एंटर होते ही यहाँ साइड पे एक झील आ जाती है और ये काफ़ी पीसफुल फील हो रही थी। हाँ, आकर ना बचपन की याद आ गई, क्योंकि बचपन में आया करते थे, अब तो काफ़ी अरसे बाद में यहाँ पर आई थी और इस साइड पर थोड़े से जानवर भी थे। ओवरऑल जो पार्क की सफाई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेंटेन की गई थी और आज बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि ऑफ भी था, संडे था और इस टाइम काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी। ये पार्क जी यहाँ पर आप शार के ये जाने के लिए है, सो वी आर गोइंग। ये जगह काफ़ी पीसफुल थी और यहाँ पर गर्मी दूर करने के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। तो यहाँ कुछ फैमिलीज इंजॉय कर रही थी और अब्दुल रहमान भी कुछ पिक्चर्स कैप्चर कर रहे थे। वाओ, विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, तो यू कैन विजिट विद योर फैमिली एंड आई होप यू आर गोइंग टू लव इट। सो अभी जो है यहाँ पर शाम का टाइम हो गया, मगरिब हो चुकी है, सो फिर फैमिली के लिए बड़ी सेफ प्लेस है, सिक्योरिटी वाइज भी और सफाई की मेंटेनेंस भी बहुत। राइट का एक पूरा सेक्शन था जहाँ पर डिफरेंट किस्म के झूले थे और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इंजॉय कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।